हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कोई भी बुरी से बुरी आदत को कैसे छोड़े, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो गांजा पीना हो, चाहे वो ड्रग्स लेना हो, चाहे वो मास्टरबेशन हो। ये सारी हैबिट्स को आप किस तरीके से छोड़ सकते हो, ये सारी हैबिट्स को आप किस वे में छोड़ सकते हो। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ, ये जो मैं आपको 11 से 12 टिप्स बताने वाला हूँ, ये वास्तविक में आपकी बहुत हेल्प करने वाली है आपकी हैबिट छुड़ाने में। जो आपको गंदी आदत लगी है, ठीक है, उसको आप कैसे क्विट कर सकते हो, चाहे एल्कोहल हो, ठीक है, ये सारी चीजें आप छोड़ सकते हो, ठीक है। तो पहले तो आपको पहला पहली चीज ये समझनी होगी, अंडरस्टैंड योर हैबिट, पहले समझो, अंडरस्टैंड योर हैबिट्स एंड एक्सेप्ट दैट यू आर एडिक्टेड, ठीक है। जिसके आप अगर सिगरेट पीना छोड़ना चाहते हो तो पहले आप समझो कि आपको आदत लग चुकी है, दिन की एक एक दो दो डिब्बी पी रहे हो आप, अगर पी रहे हो पहले ये समझो। जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे आपको आदत लगी है, तब तक आप छोड़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका मन को लेकर आपके अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आएगा, अरे जब मैं चाहूँ तब बंद कर सकता हूँ। अरे भाई साहब, अगर जब तुम चाहो ना तब बंद कर सकते हो ना, तो कल से बंद करके दिखाओ, ठीक है। तो आपके अंदर पहले एक्सेप्ट करना होगा कि आपको आदत लग चुकी है, कोई भी हो पर्टिकुलर, ठीक है, जैसे कि लाइक मास्टरबेशन, दिन में तीन तीन चार 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 बार कर रहे हो, ठीक है, मूवीज देख रहे हो, कोई रील दिखाई, इनकॉग्निटो मोड ऑन किया और लग गए, ठीक है। पहले समझो जो आपको आदत लग चुकी है, तब ही आप उस आदत को छोड़ पाओगे, ठीक है। ये आपको अंदर से खोखली करती जा रही है, जो भी ये आपकी आदत है, ठीक है, अंदर से खोखला करती जा रही है। आपकी सोचने की क्षमता जीरो, आप चीजों को भूलने लगे होगे इन सारी आदतों के कारण। आपको पता नहीं आपने थोड़ी देर पहले क्या बोला है, या फिर कल क्या खाया था, ठीक है, या फिर आपको यही पता नहीं कि आप कल क्या सोच रहे थे, आपके दिमाग में इतना अच्छा आइडिया आया था, आप जो अप्लाई करने वाले थे, ठीक है, और अचानक से हाथ गायब भी हो गया वो आइडिया। ये आपको कमजोर बन रहा है, बना रहे हैं। मास्टरबेशन, स्मोकिंग, दे आर किलिंग योर नर्व्स। और मास्टरबेशन करने के बाद आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती, बिस्तर में पड़े रहते हो, कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। पहले आपको समझना पड़ेगा आपको आदत लग चुकी है, आप एडिक्टेड हो, ठीक है। पर सेकंड की पॉइंट आता है, सेट क्लियर गोल्स। अब आपको क्लियर गोल्स सेट करने हैं, ठीक है, लाइक एस्टेब्लिश स्पेसिफिक एंड रियलिस्टिक गोल्स फॉर क्विटिंग द हैबिट, ठीक है। अब जो भी आदत आप छोड़ना चाहते हो, एक पेज लो, डायरी हो तो डायरी लो, ठीक है, पेज लो, ठीक है, बिल्कुल क्लियर डिफाइन करो आप कब तक इस आदत को छोड़ने वाले हो, ठीक है। बहुत से टाइम क्या होता है कि हम एक दिन में कोई आदत नहीं छोड़ सकते, बट धीरे धीरे करके उसको छोड़ सकते हैं। लाइक आप दिन में 10 पीते हो सिगरेट, ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको उसको 2 करना होगा, फिर 1 करना रहेगा, फिर धीरे धीरे करके इस वे में कम कर सकते हो, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग वे और बताऊंगा मैं, जो सबसे लास्ट में हो, उसके बाद तो तुरंत छूटनी है कोई भी आदत हो, ठीक है। तो पहले क्लियर गोल सेट करो कि आप अगले 30 दिन में आप किस वे में ये हैबिट क्विट करने वाले हो, क्लियर गोल कि भाई सब छोड़ना है, छोड़ना है, भले चाहे कोई ऑफर करे चाहे ना करे, चाहे कोई दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, चाहे कोई कितना भी खास हो, चाहे कोई कसम चढ़ाए या न चढ़ाए, नहीं पीनी तो नहीं पीनी, नहीं करना तो नहीं करना, कुछ भी हो, दिमाग में वो मेंटलिटी लाओ, क्योंकि आप अंदर से इतने खोखले हो चुके हो, कोई भी आपको कुछ भी बता देता है इजी एक्सेप्ट कर लेते हो, और उस कारण से आप बर्बाद होते जा रहे हो। आपका मेंटल पीस क्यों नहीं है, क्योंकि आप अपने आप को ऊपर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। दैट रिप्लेस विद पॉजिटिव हैबिट, ठीक है, सीधी सीधी बात है। देखो, अगर आदत आपकी बुरी आदत को मतलब बदल नहीं सकते, तो आपको सीधी सीधा काम करना है, मतलब चेंज नहीं कर सकते, आपको उसको छोड़ नहीं सकते, आपको सिर्फ करना है बदल देना है। जैसे कि आपको स्मोकिंग की हैबिट है, मास्टरबेशन की है, ठीक है, तो आप उसको क्या कर सकते हो, जैसे कि स्मोकिंग की है तो उसकी यहाँ पे आप कर सकते हो, जैसे कि आपको जो भी फ्रूट पसंद हो, एप्पल पसंद है, ठीक है, या फिर ड्राई फ्रूट पसंद है, काजू हो, ठीक है, जब भी आपको भूख लगे, या फिर खोपड़ा हो, खोपड़ा मतलब जो रहता है ना, नारियल की चटक रहती है, ठीक है, वो होना
ठीक है, जो भी आपको ड्राई फ्रूट में जो भी चीज़ पसंद हो, जब भी आपको लगे तलब, देन यू कैन डू दैट, वो चीज़ खाओ, ठीक है, वो आपकी बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, कि जैसे कि अगर आपको, एस आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू व्हेन समथिंग ट्रिगर्स इन यू लाइक दैट यू वांट टू स्मोक आफ्टर फूड, आफ्टर ईटिंग फूड, दैट टाइम यू नीड टू चेंज दैट हैबिट विद ईटिंग ड्राई फ्रूट्स। दैट व्हाट इज योर फेवरेट, जो भी आपका ड्राई फ्रूट फेवरेट हो वो खाना चालू करो। ठीक है, नेक्स्ट कि फोर्थ, ग्रेजुअल रिडक्शन। ठीक है, एक बार में आप नहीं छोड़ पाओगे, धीरे धीरे करके छोड़ो। ठीक है, लाइक मास्टरबेशन, मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप सोच रहे हो कि आप डेली कर रहे हो, दिन में तीन तीन चार चार बार कर रहे हो ना, तो मेरा पहला ही आपसे सजेशन रहेगा, आपने बहुत सारी यूट्यूब्स की वीडियो देख ली, एक से चढ़ते एक हीरो की देख ली, एक से चढ़ते एक यूट्यूबर की देख ली, सबकी देख ली। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि ये बुरी चीज़ है, देखो, बट ये आपकी एनर्जी ख़त्म कर देती है, आपके अंदर एनर्जी नहीं बचती, तो उसको सेव करने के लिए आपको करना रहेगा, एक काम करना रहेगा। स्टार्टिंग में आपको पहले दिन तो करना ही नहीं है, जैसे कि आप आज वीडियो देख रहे हो, यू डोंट नीड टू मास्टरबेट टुडे, आज तो नहीं करना। ठीक है, सेकेंड कि अब अगले दिन, मतलब अगले दिन में नहीं करना, आपको नाइट में करना है, नाइट में कितने, 10 बजे के बाद। ठीक है, तो ये आप 2 दिन करोगे, मतलब 2 दिन नहीं, एक दिन छोड़कर स्टार्ट करोगे मास्टरबेट करना। ठीक है, तो फिर क्या करोगे, जैसे कि स्टार्टिंग में आप तीन तीन से चार बार आप मास्टरबेट कर रहे थे, तो उसको धीरे धीरे करके कम करते जाना है। ठीक है, तो जैसे कि एक दिन में 2 बार, 2 दिन में 1 बार करना है मास्टरबेट। ठीक है, फिर हफ्ते में 2 बार करना है। ठीक है, फिर हफ्ते में 1 बार करना है। ठीक है, ऐसे ही ऐसे करके आप महीने में 4 बार करोगे हर वीक को। ठीक है, और फिर ऐसा प्लान करना है कि महीने में 1 बार, 1-2 बार कर लिया। ठीक है, बस इस वे में आप कर पाओगे ना, तो आप इजी मास्टरबेशन की जो आपको आदत लगी वो इजीली छूट जाएगी। ठीक है, चाहे स्मोकिंग हो चाहे मास्टरबेशन हो, इस वे में आप आदत छोड़ोगे ना ग्रेजुअली रिडिक्शन धीरे धीरे करके, तो आप इजीली छोड़ पाओगे। और अगर आप सोचो कि आप प्रॉपर वे में क्विट कर दोगे, सारा ना फोन देखोगे ना कुछ देखोगे, वो ऐसा नहीं होता। हमारा दिमाग को चाहिए आनंद, कंफर्ट जोन, और उस बे में चाहिए कि सारी सहानुभूति, सारे सुख उसको एक बार में ही चाहिए, क्योंकि हमको थोड़ा ही हार्ड टास्क मिल जाता है ना, तो हमारी इंद्रियां हमसे बोलती है कि मजे लेने का टाइम आ गया, थोड़ा ही ट्रगर हो जाते हैं। ठीक है, फिफ्थ, आइडेंटिफाई ट्रगर। ठीक है, अब ये आपको समझना पड़ेगा किस तरीके के लोग फॉलो कर रहे हैं, और आजकल जितने भी ट्रिगर्स रहते हैं हैबिट्स के, ठीक है, वो सारी जो भी आपको बुरी आदत है ना, वो ट्रिगर्स रहती हैं, या तो आपने कहीं पे भी किसी वीडियो में स्मोकिंग करते किसी को देख लिया, या अल्कोहल पीते हुए किसी को देख लिया, तो आपके अंदर एक ट्रिगर होती है कि शाम को बैठक बनाते हैं। ठीक है, दोस्तों को कॉल करते हैं, दोस्त का कॉल आ गया, चलो बैठते हैं। ठीक है, अगर आप रेगुलर बेस पे नहीं कर रहे हैं ये काम, बैठ रहा है तो महीने में आप 1-2 बार कर रहे हो ना तो चलता है, बट आप रेगुलर बेस पे कर रहे हो ना तो ये आपको बर्बाद करता है। ठीक है, तो जैसे स्मोकिंग के लिए ट्रिगर रहता है, आपने कोई मूवीज देखी, या फिर किसी कहीं पे भी आप थोड़ा बाजार में घूमने जा रहे थे, आपने किसी बंदे के पास से निकले जो स्मोकिंग कर रहा था, तो आप ट्रिगर होते हो, तो आपके ट्रिगर्स को संभालना। जिसकी पॉइंट देखते हुए क्या होता है कि आप कहीं पे भी गए, या तो पार्क में या फिर कहीं पे भी, आपको कोई पर्टिकुलर अपोजिट जेंडर आपको मिला, आपको ठीक ठाक ला, आपके माइंड में उस तरीके की इमेजेस बनने लगी, या फिर आप रील देख रहे हो, ठीक है, कोई भी लड़की है, नंगा नाच तो आप चल ही रहा है, आप देख ही रहे होगे यूट्यूब पर, हर एक जगह, इंस्टाग्राम पर, सजेस्ट फॉर व्यूज, न्यूडिटी इज स्प्रेडिंग। ठीक है, तो आप उनसे ट्रिगर हो जाते हो, और आप अकेले रहते हो, ये आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, और आप अकेले रहते हो ना, आपने देखा नहीं कि आप बाथरूम में गए नहीं, टिश्यू पेपर उठाया, काम खत्म करके आ गए, और ये आप दिन में 3-4 बार कर रहे हो, तो इस चीज को समझो, आपके जो आइडेंटिफाई ट्रिगर है, ठीक, जितने भी असली लौंडियों को फॉलो करा है आपने, उन सबको अनफॉलो कर दो। ठीक है, अश्लील कंटेंट जो भी आप फॉलो कर रहे हो सारा का सारा अनफॉलो कर दो, जितने भी सारे मीम पेजेस हैं सारे के सारे अनफॉलो कर दो। ठीक है, अब आपको ट्रिगर पसंद हो, ट्रिगर पता चल गया, ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा, उस चीज़ को अवेयर रहना पड़ेगा, अब आपने उस चीज़ को देख लिया है तो अब आपको उस पर कंट्रोल करना है, उसको अपनी माइंड को डाइवर्ट करो म्यूजिक सुनकर,
ठीक है, तो उस भी में आपको आपके माइंड को डाइवर्ट करना पड़ेगा, आपका दिमाग ट्रिगर हुआ और आपको तुरंत डाइवर्ट करना होगा, और डाइवर्ट नहीं करोगे ना तो अगर आप अकेले होगे ना तो आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप ये सोचोगे अरे छोड़ो क्या ज्ञान पेल है, इसकी बातें तो सुन ली, उस चीज़ को छोड़ना पड़ेगा। आपको दिमाग में डाल देना 5 4 3 2 1। देखो आप जो भी कर रहे हो ना उसको छोड़ो, या तो एक्सरसाइज करने लगो या फिर डिप्स मारने लगो, ठीक है डिप्स मार रहे हो तो डिप्स मारो, ठीक है, या फिर गाने सुन के थोड़ा बहुत डांस कर लो, इस तरीके से आप आपके फोकस को डाइवर्ट कर पाओगे सिगरेट पीने से और वो सारी चीज़ें करने से, जो भी आपका ड्रग हो, जो भी एडिक्शन हो, गांजे का हो, ड्रग्स का हो, पाउडर हो, कोकेन हो, ये सारी चीज़ आप इस तरीके से बंद कर सकते हो। सिक्स, सीख सपोर्ट, ये आपको हेल्प लगेगी, ठीक है। आप हमेशा आपकी आदत नहीं छोड़ा सकते, आप अकेले आपकी आदत नहीं छोड़ा सकते, या तो आपके कोई भैया होंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, या फिर आपको कोई ऐसा दोस्त होगा जो ये काम नहीं करता होगा, आपको उसकी हेल्प लेनी है, आपको डेली उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट करना है, आपको आपकी ग्रोथ बतानी है कि आज मैंने इतना कम किया, मैं इतना करता था, वो उसके साथ आप सक्सेस सेलिब्रेट करोगे, आज मैंने कोई भी सिगरेट नहीं पी, आज मैंने मास्टरबेट नहीं किया, उसके साथ शेयर करना चालू करो फीलिंग, एक आपके अंदर सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा, तो वो करना चालू करो तो आपको बहुत फायदा होगा। आपको हेल्प लगेगी, हेल्प लेनी पड़ेगी, या तो प्रोफेशनल ले लो या पर्सनल ले लो किसी भैया दोस्त वगैरह की, ठीक है, तो उस वे में आप कर पाओगे। सेवन्थ, पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट। अब धीरे धीरे आप अपने आप को बदलते जा रहे हो, सोशल मीडिया का एडिक्शन भी बहुत खराब होता है, ठीक है, तो उसको भी आपको धीरे धीरे करके छोड़ना, तो जैसे जैसे छोड़ते जा रहे हो ना तो उसको समझते जाओ, ठीक है। और आपको पॉजिटिव वे में रीइन्फोर्स करना है, अगर आप अच्छी चीज़ें कर रहे हो, ठीक है, तो आप थोड़ा अपने आप को बाहर ले जाओ, पिज्ज़ा ऑर्डर कर लो, ठीक है, अपने दिमाग को डाइवर्ट रखो, ठीक है, अपने आप को ट्रीट दो, अपने आप को चॉकलेट खिलाओ, जैसे जैसे आपको कर रहे हो आपके माइंड को एक रिवार्ड्स देना चालू करो, ठीक है। एट, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। अब देखो मेडिटेशन बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के रहते हैं, मैं दो तरह के मेडिटेशन प्रिपेयर करता हूँ और मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता कितने प्रकार की मोटिवेशन वो है मेडिटेशन। एक भजन सुनते हुए टोटल भजन में डूब जाना, या तो बैठे बैठे भजन में डूब जाना, या फिर डांस करते करते भजन में डूब जाना, ना ध्यान करो जो भी भजन चलना है, जो भी पर्टिकुलर भजन हो, थोड़ा मतलब एनर्जेटिक हो, उसमें डूब जाना। सेकंड, विजुलाइजेशन के साथ मेडिटेशन, ठीक है। अब मेरे को जो भी गोल्स अचीव करने हैं, मैं अपने आप को विजुलाइज करता हूँ मेडिटेशन की स्थिति में बैठ के, अपने आप को विजुलाइज करता हूँ कि मैं गोल्स अपने अचीव कर रहा हूँ, ठीक है, द माइंड में, तो उससे जो एक अलग एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, वो उसमें मजा ही आ जाता है, ठीक है। और नाइन्थ, अगर आप इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर नहीं हो पा रहे ना, तो नशा मुक्ति केंद्र जाओ, प्रोफेशनल हेल्प लो, नशा मुक्ति केंद्र जाओ, 30 दिन रहो वहाँ, 30 दिन, 1 महीना 15 दिन, बहुत बुरी हालत हो चुकी है तो जाओ। अगर आपकी बुरी आदत नहीं है, मैंने जो 8 8 पॉइंट बताए वो फॉलो करके भी आपका हो सकता है काम, ठीक है। विजुअली एड्स, यूज विजुअल एड्स सच एज चैट्स जनरल, ट्रैक योर प्रोग्रेस, ठीक है। आपको अब क्या करना है कि जैसे जैसे आप इम्प्रूव करते जा रहे हो अपने आप को, डायरी लिखना चालू करो, जर्नल करना चालू करो, या वीडियो बनाना चालू करो, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट्री बनाओ कि आप कैसे ओवरकम कर रहे हो आपके डर पे, आपके एडिक्शन पे, आप कितने मोटिवेटेड हो, कितने जल्दी आप आपके गोल्स को अचीव करना चाह रहे हो, आप आपके गोल्स के लिए मेहनत कर रहे हो, उस तरीके की डॉक्यूमेंट्री और राइटिंग लिखना चालू करो, या फिर ब्लॉग्स लिखना चालू करो, ठीक है, जो पढ़ लिखना चालू करो या डॉक्यूमेंट्री बनाओ, जिससे क्या होगा एक आपके अंदर से सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा, ठीक है। लर्न फ्रॉम रिलैप्सेस, मतलब इफ यू स्लिप अप, अगर आपको गलती होती है, ठीक है, डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। अब आपसे गलती हो रही तो आप ये समझो कि देखो आपने 7 दिन तक स्मोकिंग नहीं करी, आपको एक दिन तलब लगी, आप गए और आपने स्मोकिंग कर ली, तो अपने आप को पनिशमेंट मत दो, मतलब अपने आप को गिरी हुई नजरों से मत देखो, एक आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ इमेज होनी चाहिए, ठीक है, आज कर लिया बट अब आगे नहीं करूँगा, अगले हफ्ते नहीं, अगले हफ्ते तक नहीं करूँगा, फिर अगले 15 दिन नहीं करूँगा, फिर उसके बाद टाइम निकालूंगा तब करूँगा, अगर करना हो तो, ठीक है। आप इतना कंट्रोल ले आओ कि आपको जब लगे, मतलब जब आपके मन में आए तब पी ली,
बट तब तक नहीं, ठीक है। और ट्वेल्थ, स्टे बिजी, हमेशा बिजी रहो। आदमी खाली दिमाग शैतान का घर होता है, आपको भी पता है, ठीक है। तो हमारे साथ क्या रहता है कि हम बिस्तर में एक कमरे में पड़े रहते हैं, और उस कारण से ये सारी आदतें हमसे चिढ़ जाती हैं, हमको लग जाती हैं। और इन आदतों को अगर छोड़ना है तो आपको ये समझना होगा कि अपने आप को बिजी रखना होगा। या तो काम करो, ठीक है, या फिर कुछ, अगर आप काम नहीं कर सकते तो कुछ चीज़ें देखो और काम करो, ठीक है। कुछ ना कुछ करते रहो आपके जीवन में, ठीक है। मूवीज़ देखो, मूवीज़ में देखे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करो, आसपास के लोगों से मिलो, ठीक है। या फिर कुछ क्रिएट करना चालू करो, एक नॉवल लिखना चालू करो अगर फ्री बैठे हो, इतने फ्री हो तो। कुछ इमेजिनेशन में कैरेक्टर डेवलप करो, एक नई मूवी सेट कर दो, हैरी पॉटर की अगली तुम बना दो, इंडियन हैरी पॉटर, मतलब कुछ भी, जो भी आप बनाना चाहो, ठीक है। कुछ कार्टून कैरेक्टर आप बना सकते हो, कोई मूवी सोचो, तो अब वो आप सोच के कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों, आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।